अगर आपने अपना मन बना लिया है कि आपको लॉ करना है सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो यार जान लो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कितने लॉ कॉलेज आते हैं और कौन कौन से लॉ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे पढ़ने पे भी जो है आपको जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। चलिए जानते हैं। पहला तो आपको जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में आप पढ़ोगे तो भी वहाँ से लॉ की डिग्री मिलेगी। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का खुद का लॉ फैकल्टी है और आपको बता दें यहाँ से जो है BLLB, LLB और LLM आप तीनों कोर्स कर सकते हो। दूसरा कॉलेज आता है CMP डिग्री कॉलेज। यहाँ पे आपको जो है BLLB, LLB और LLM तीनों कोर्स होते हैं और इसमें भी आपको जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। तीसरा कॉलेज DC आता है जिसमें आपको बस सिर्फ और सिर्फ LLB और LLM आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे पढ़ने के बाद भी आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। चौथा कॉलेज आता है ईश्वर सुरेंद्र डिग्री कॉलेज जो कि सिर्फ और सिर्फ BLLB कराता है। फिलहाल अभी यही चल रहा है ऐसा, लेकिन आगे इन फ्यूचर जो होगा देखा जाएगा, बट फिलहाल की कंडीशन देख रहा है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ BLLB होता है। यहाँ पे पढ़ने के बाद भी आपको जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। अब बात करते हैं लास्ट कॉलेज कौन सा है, तो लास्ट कॉलेज जो है सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है जिसे बोलते हैं SS खन्ना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ BLLB होता है। यहाँ भी पढ़ने के बाद आपको जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। तो यहाँ पे जो पांच कॉलेज से अगर इन सभी में से भी किसी में भी एडमिशन हो जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम विद्या का संघ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जहां पे सिर्फ और सिर्फ लॉ के स्टूडेंट हैं। देश विदेश से सारे तरीके के बच्चे आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, साथ साथ वहां पे एडवोकेट, जजेस वगैरह सब चीजें हैं। हम आपको जो है नोट बुक, प्री सेमिनार, प्री वेबिनार, प्री कॉम्पिटिशन इस तरीके चीजें कराते रहते हैं विद्या संघ के माध्यम से। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए आज वीडियो को बस एंड करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।